हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू डॉक्टर आसिफ लेक्चर्स हम एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल डिस्कस कर रहे हैं और आज का जो टॉपिक डिस्कस करना है दैट इज रैक्टस शीथ अच्छा रैक्टस शीथ हम पहले भी जो मेरी पिछली वीडियोस हैं एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की उसमें कई दफा इसका नाम ले चुके हैं और आज की डेजिग्नेटेड वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है टू टेल यू कि हाउ इम्पॉर्टेंट दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज इतना आपको पता है कई दफ़ा मैंने ये बात की है पिछली वीडियोस में कि इफ़ यू लुक एट द टॉर्सो ऑफ द पर्सन सो इफ दिस इज द टॉर्सो ऑफ द पर्सन सो जीफोइ प्रोसेस से जो लाइन स्ट्रेट अगर हम ड्रॉ करेंस तक तो ये लीनिया एल्बा है और लीनिया एल्बा के दोनों साइड पर लीनिया सेमुलिस और इस दोनों तरफ यहां पर भी रेक्टस मसल होगा और यहां पे भी रेक्टस मसल होगा ये वो मसल है जिसमें सिक्स पैक्स बनते हैं बल्कि एट पैक्स बनते हैं अगर कोई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइज करता है और लीन बॉडी है मैं बार बार नाम लेता हूँ ऋतिक रोशन को देखिए और इवन शाहरुख खान आमिर खान देव गॉन टू दैट लेवल जॉन इब्राहम इन सब ने सिक्स पैक्स एट पैक्स बना रखे हैं किसी ना किसी स्टेज ऑफ देयर कैरियर पे अब ये जो शीत है शीत इस रेक्टस एबडोमिनस मसल को सराउंड करती है सो बेसिकली रेक्टस शीत है क्या रेक्टस इज एन रेक्टसोटिकीत विच कवर्स द रेक्टस जो आपके रेक्टमडम uh, का एंटीरियर मसल है और उसकी पूरी सराउंडिंग है उस सराउंडिंग का नाम है रेक्टस शीत ठीक है इसके दो कॉम्पोनेट दो वॉल्स हैं एक एंटीरियर वॉल ऑफ रेक्टर शीत एंड एक पोस्टीरियर वॉल ऑफ रेक्टर ये दोनों चीज हमको पढ़नी है और कॉन्टेंट वाइज कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है वॉल्स का सारा फंडा वॉल्स का है एग्जाम में ये एग्जामिनर्स का ना बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है कि रेक्टस शीट की जो एंटीरियर वॉल है वो किस किस चीज से मिलके बनती है रेक्टस शीट की पोस्टीरियर वॉल किस किस चीज से मिलके बनती है अब ये एक डायग्राम दिखाता हूं और इस डायग्राम पे सारी बात समझाता हूं सो so, दिस डायग्राम इज बेसिकली शोइंग यू फ्रॉम द साइड वेज ये जो मसल बीच में चल रहा है दिस मसल इज द रेक्टस एबडोमिनस मसल और ये जो ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने कील ठोकी हुई है रेक्टस एबडोमिनस के अंदर ये एक्चुअली टेंडिनस इंसर्शन है और यही वो सिक्स पैक्स बनाते हैं वन टू थ्री फोर एक्चुअली एक साइड पे और फोर दूसरे साइड पे एट पैक्स यूजली लोग सिक्स पैक्स बना पाते हैं बट अगर आप स्ट्रेटनस एक्सरसाइज करें तो एट पैक्स भी बनते हैं एनी वेज ये साइड वॉल है साइड से बंदा खड़ा हुआ है स्किन है सुपरफिशियल फेशिया होगा और यहां पे ये है रेक्टस

एंटीरियर साइड पर अगर देखें तो पूरे एंटीरियर साइड पे एक शीट कवर uh, कर रही है ग्रीन कलर की सो so, मैं ये कह सकता हूं कि एंटीरियरली जो रेक्टस एबडोमिनस है वो कंप्लीटली कवर होता है शीट से सो एंटीरियर वॉल जो है फ्रॉम टॉप टू बॉटम रेक्टस एबडोमिनस को कवर करती है लेकिन अगर आप पोस्टीरियर साइड पर देखो तो ये जो रेक्टस एबडोमिनस का अपर पार्ट है यहां पर कोई शीत मौजूद नहीं है फिर ये बीच में शीत आ गई ग्रीन शीत आ गई और फिर लोअर पार्ट में भी शीत मौजूद नहीं है सो so, एंटीरियरली फ्रॉम टॉप टू बॉटम पूरा रेक्टस सेबडमिनस शीत से कवर होता है पोस्टीरियरली अपर पार्ट में कोई शीत नहीं है मिडल पार्ट में शीत है और फिर लोअर पार्ट में कोई शीत नहीं है सो लोअर पार्ट में नहीं है अपर पार्ट में नहीं है और मिडल पार्ट में ये ग्रीन शीट मौजूद है पोस्टीरियर वॉल ऑफ द रेक्टस शीट ठीक है अच्छा अब अपर पार्ट में ये जो रेक्टस एबडोमिनस है ये डायरेक्टली कॉस्टल कार्टिलेजिस के ऊपर पड़ा होता है देर इज नो शीतर इसी तरह जो लोअर पार्ट है उसमें डायरेक्टली पीछे जो है वो ट्रांसवरसाल फेशिया होता है फेशिया ट्रांसवर्सालिस और कोई पोस्टीरियर वॉल नहीं है ठीक है आ, पोस्टीरियर साइड पे ये जो मिडल पोर्शन है यहां तक जिस पॉइंट तक पोस्टीरियर वॉल है रेक्टस शीत की इस पॉइंट को एक्चुअली नाम दिया जाता है आर्कुएट लाइन सो अभी तक की समरी जो मैंने आपको बताई वो क्या है बॉस वो समरी ये है कि रेक्टस रेक्टस एब्डोमिनस को कवर करती है एंटीरियरली पूरा कवर करती है पोस्टीरियरली अपर पार्ट में ये शीट नहीं होती लोअर पार्ट में ये शीट नहीं होती मिडल पार्ट में ये शीट होती है तो ये बात अगर समझ में आ गई कि एंटीरियरली पूरे का पूरा रेक्टर शीट मौजूद होती है और पोस्टरली अपर पार्ट और लोअर पार्ट में नहीं होती मिडिल पार्ट में होती है तो ये आपको टेक्स्ट लिखा हुआ समझ में आ जाएगा कि एंटीरियर जो वॉल है इट इज कंप्लीट कवरिंग द मसल फ्रॉम एंड टू एंड इट्स कंपोजिशन इज वेरिएबल कंपोजिशन अभी हम पढ़ते हैं ठीक है इट इज फर्मली अटैच टू देंडीस इंसर्शन ऑफ द रेक्टसल और मसल में टेंडीन इंसर्शन थी ये एक, ten, तीन होती एक होती है लेवल ऑफ हमलाइक दूसरी होती है एट द लोअर बॉर्डर ऑफ दिफोइ प्रोसेस और तीसरी इनके बीच में और ये जो एंटीर रेक्टस इट इज फर्मली अटैच टू द टेंडीनस इंसर्शन ठीक है तो एंटीरियर वॉल की कहानी हो गई और पोस्टीरियर वॉल जो है इट इज इनकम्प्लीट जाहिर है ऊपर नहीं होती नीचे नहीं होती बिलो द आरको लाइन बीच में होती है ठीक है तो एंटीरियर पोस्टीरियर वॉल कहाँ कहाँ होती है समझने के बाद अब ये समझना जरूरी है कि जो एंटीरियर वॉल ऑफ रेक्टस शीत है वो किस किस चीज से मिलके बनती है और पोस्टीरियर वॉल किस किस चीज से मिलके बनती है ना इसको हम ना तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं ये डायग्राम देखें सो ये बंदे का टॉर्सो है दिस इज द पर्सन स्टैंडिंग देयर और ये उसका एबडोमिनल रीजन तो एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं Uh, ये देखें पोर्शन ए पोर्शन ए का मतलब ये है दिस इज द पोर्शन विच इज़ बिहाइंड द लोअर पार्ट ऑफ द स्टर्नम एंड द दर्ट प्रोसेस सो दिस इज द पोर्शन जो हम हमेशा कहते हैं अबव द कॉस्टल मार्जिन सो ये कॉस्टल मार्जिन है कॉस्टल मार्जिन के ऊपर का रीजन दिस इज द कॉस्टल मार्जिन कॉस्टल मार्जिन के ऊपर का रीजन इस ऊपर के रीजन में जो कंपोजिशन है रक्त शीत की वो अलग है फिर अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें बिटवीन द अम्बलाइकस एंड प्यूबिस ये वाली लाइन तो दिस लाइन इज एक्चुअली पासिंग थ्रू द आर्कुएट लाइन तो इस पोर्शन और इस पोर्शन के बीच का जो मिडिल पोर्शन है दैट लेट्स कॉल इट पोर्शन नंबर बी और आर्कुएट लाइन के नीचे का जो पोर्शन है लेट्स कॉल इट पोर्शन नंबर सी सो इफ यू कट यू नो एट दीज थ्री लेवल्स पोर्शन ए पोर्शन बी एंड पोर्शन सी और ये ए बी सी बेसिकली है क्या पोर्शन ए है अब सी है बिलो द आर्कुएट लाइन और अब इनके इधर हैं यानी जो अब कॉस्टल मार्जिन रीजन है वो यहां दिखाया हुआ है तो देखें ये है सेक्शन और ये रेक्टस एपडोम है और ये पीछे फाइव सिक्स एंड सेवन कॉस्टल कार्टिलिजीज हैं तो आप देख रहे हैं कि एंटीरियर साइड पे रेक्टसूद साइड पे नहीं है यही बात अभी हमने ऊपर की थी कि एंटीरियरली

एंटीरियर शीट बनती है एक्सटर्नल ऑब्लिक से अच्छा अब जो ये मिडिल पोर्शन है इस मिडिल पोर्शन में एंटीरियर uh, शीट भी मौजूद है और पोस्टीरियर शीट भी मौजूद है अब ये बात हमने यहां भी की थी कि मिडिल पोर्शन में भाई एंटीरियर शीट भी मौजूद होती है और पोस्टीरियर शीट भी मौजूद होती है एंटीरियर शीट किस चीज से मिलकर बनती है मिडिल पोर्शन में ये मिडिल पोर्शन की रिप्रेजेंटेशन ये है

के फाइबर्स भी मौजूद हैं सो भाई मिडल रीजन में यानी इस रीजन में एंटीरियर शीथ में भी दो एपिनरोसिस मिलकर बनाते हैं एंटीरियर शीथ और पोस्टीरियर शीथ में भी दो एपिनरोसिस मिलकर बनाते हैं पोस्टीरियर शीथ एंटीरियर शीथ में कौन-कौन से दो एपिनरोसिस हैं एक्सटर्नल ओब्लिक और इंटरनल ओब्लिक

अपर रीजन में पोस्टीरियर नहीं है लोअर रीजन में पोस्टीरियर नहीं है मिडिल रीजन में एंटीरियर पोस्टीरियर दोनों है, और किस किस से मिलकर बनता है वो बात भी हमने कर ली ठीक है सो दैट वॉज एन इंपॉर्टेंट थिंग टू डिस्कस फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ

एपिनोरोसिस uh, से इंटरनल लॉब्लिक और एक्सटर्नल एक्सटर्नलिक पोस्टर वॉल भी बनती है दो से इंटरनल लॉब्लिक और ठीक है और बिलो द आर्कुएट लाइन इंटेरियर वॉल होती है इट इज फॉर्म बाय ऑल थ्री मसल्स और पोस्टीरियरली इट इज डेफिशिएंट पोस्टीरियरली द वॉल इज डेफिशिएंट सो अगर आपने ये डायग्राम याद रख ली तो आपको ये सारी कहानी आराम से समझ में आ जाएगी आराम से आप इसको याद कर लेंगे तीन लेवल्स पे रेक्टस शीत को याद रखना है अब द कॉस्टल मार्जिन सिर्फ एंटीरियरली होती है एक्सटर्नल ऑब्लिक से बिलो द आर्कुएट लाइन सिर्फ एंटीरियर होती है तीन मसल से और बिटवीन दीस टू जो है उसमें एंटीरियर शीत भी है दो एपिनोरोसिस से बनती है और पोस्टीर शीत भी है दो एपिनोरोसिस से बनती है ठीक है तो अब कॉन्टेंट्स की बात करते हैं रेक्टस शीत में होता क्या है भाई रेक्टस शीत में सबसे पहले तो रेक्टस मसल होता है सो so रेक्टस मसल इज द मेन एंड द लार्जेस्ट कॉन्टेंट और पेरेबिडाइलिस भी समटाइम्स होता है अगर है रूडोमेंट्री मसल है छोटा सा मसल है बट मेन फोकस हमने रखना है रेक्टस एप मसल पे आर्टरीज भी होती हैं रेक्टस शीथ के अंदर इनफैक्ट अगर मैं ये डायग्राम आपको दिखाऊं तो यू सी देर आर सम आर्टरीज आर एक्चुअली पियर्सिंग द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द रेक्टस शीथ शीथ एक आर्टरी आर्टरी सुपीरियर इट पियर्स द पोस्टीरियर मसल के अंदर एंटर होती है एंड इट एन एस्टोमोज विदीरियर एपिगेस्ट्रिक ठीक है सो देर इज अ सुपीरियर एपिगेस्ट्रिक आर्टरी इन्फीरियर एपीगैस्ट्रिक आर्टरी बोथ द आर्टरीज आर एक्चुअली एंटरिंग इन टू द मसल एंड दे आर कॉम्पोनेट ऑफ द रेक्टस शीथ तो यह पता होना चाहिए कि मसल जो है वो

मूवमेंट है जिसमें जो आपका पूरा टॉर्सो है उसकी फ्लैक्जन का प्रोसेस है पूरा ऑफ द टॉर्सो इज बेसिकली द द जॉब ऑफ रेक्टस एब्डोमिनस मसल और ये आप अगर एब एक्सरसाइज जो लोग करते हैं उनको पता है कि पूरा लेट जाते हैं जमीन पे ये उनका हेड है और ये उनका फुट रीजन है तो वो अपने हेड रीजन को ऐसे मूव करते हैं और ये वाला रीजन इधर ही रखते हैं सो so ये जो मूवमेंट हो रही है दैट इज बिकॉज ऑफ द रेक्टस रेक्टोमिनस और इसकी मूवमेंट को एफिशिएंट करने के लिए रेक्टीत का होना जरूरी है वरना मसल ट्विच कर जाएगा फाइबर्स टीयर हो सकते हैं वगैरह 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 इट स्ट्रेंथ ऑफ एंटीरियर एबडोमिनल वॉल ओके सिंपल टू अंडरस्टैंड अब एक हेडिंग यहाँ पे बी डी चौरासी में एयर दी हुई है न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ रैग एक्चुअली कुछ इसमें खास न्यू लिखा नहीं है इट्स रादर मोर कन्फ्यूजिंग मेरा आपको सजेशन ये मत ही पढ़े इसको तो बेहतर है ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए दिस इज ऑल अबाउट रैक्टिस शीत आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में uh, बहुत जल्द अपना ख्याल रखेगा तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ